सदा स्वस्थ और जवान रहने के लिए दादी नानी के बताए 30 बेस्ट हेल्थ टिप्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ दोस्तों। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हैं, जिनकी उम्र 40 के करीब हो जाए उन्हें चुकंदर रोजाना खाना चाहिए। नंबर 2, पेट की गैस और पेट फूलने की समस्या से राहत पाने के लिए सौंफ चबाने से फ़ायदा होता है। इसका एक फ़ायदा यह भी है कि यह हर उम्र के लोगों के लिए सेवन के लिहाज से काफ़ी सुरक्षित मानी गई है। नंबर 3, अखरोट का सेवन पुरुषों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि करता है। अखरोट पुरुषों में शुक्राणुओं के आकार, गतिशीलता और लाइफ बढ़ाने का काम करता है। अखरोट में किसी भी सूखे मेवे से ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जो कि होते हैं, जो कि आँखों और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 4, भीगे हुए किशमिश के सेवन से आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही रोज़ किशमिश खाने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 5, रोजाना सुबह एक कली लहसुन की खाएं। इससे आपको हाई बीपी के साथ साथ शरीर की कई बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। नंबर 6, अगर आप मच्छरों से ज़्यादा परेशान हैं तो कमरे में इलायची के छिलकों को रख दें। कमरे में मच्छर नहीं आएंगे, जो भी मच्छर हैं वह उसकी स्मेल से भाग जाएंगे। नंबर 7, जो बंदा दांतों पर आग की राख लगाता है उसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। नंबर 8, काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और प्रतिदिन 1 कप दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इससे दिमाग की कमजोरी दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। नंबर 9, अखरोट खाने वाले इंसान को सांस की तकलीफ कभी भी नहीं होती। नंबर 10, सीने में दर्द की दिक्कत हो तो अजवाइन की धुनी लेने से दर्द खत्म हो जाता है। नंबर 11, जो औरतें बूढ़ी नजर आने लगती हैं उन्हें अनार के रस में दही शामिल करके पी लेना चाहिए, उनकी जवानी वापस आने लगेगी, चेहरे पे ग्लो आने लगेगा। नंबर 12, पेट के बल सोने से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। पेट के बल सोने वाली महिलाओं में ब्रेस्ट पेन की समस्या भी देखने को मिलती है। इस तरह सोने से ब्रेस्ट पर प्रेशर पड़ता है और ऐसे सोने की आदत बना लेने से आगे चलकर यह परेशानी और भी बढ़ सकती है। नंबर 13, रोजाना खाली पेट जीरा पानी का सेवन भी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वेट लॉस करने में सहायता करता है। तो जो भी लेडीज या जो भी जेंट्स वेट लॉस करना चाहते हैं वे सुबह खाली पेट जीरा पानी पिए। नंबर 14, पपीते में विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए जिन लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं उन्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। पपीता खाने की वजह से किडनी स्टोन्स को आकार उसका बढ़ सकता है और स्थिति और भी ज़्यादा बदतर हो सकती है। नंबर 15, काम के दौरान नींद आए या फिर सुस्ती पड़ जाए तो अदरक वाला पानी पीना चाहिए। नंबर 16, नींबू के छिलके के पाउडर में नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों का पीलापन दूर होता है। नंबर 17, बालों में सूरजमुखी तेल की मालिश करें, बाल मुलायम और रेशमी होने लगेंगे। नंबर 18, अगर लूज मोशन हो तो 5 ग्राम इसबगोल की भूसी 1 कप दही के साथ लेना चाहिए। नंबर 19, हरी चाय यानी कि ग्रीन टी मसूड़ों को मजबूत करती है। नंबर 20, खूनी बवासीर के इलाज में खून को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को घर में बनाए हुए ताज़ा मक्खन के साथ खाएं। इसके निरंतर प्रयोग से करने से बवासीर से जो खून निकलने की समस्या होती है वह बंद हो जाती है। नंबर 21, सेब खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से गले का कैंसर हो सकता है। नंबर 22, रात को सोने से पहले आधा चम्मच सूखा धनिया थोड़े से पानी में भिगो दें और सुबह उठकर इस पानी को छानकर पी लें। इससे पीरियड्स की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और पेट और कब्ज की समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। नंबर 23, चेहरे पर फुंसी हो तो बर्फ़ का टुकड़ा आप मल सकते हैं। नंबर 24, जवानी में जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको चाहिए कि आंवले का पाउडर अपने पीने वाले पानी में मिला लें। एक छोटा सा घड़ा लें जिसको आप अलग रख लें, उसमें जो पानी होगा उस पानी में आप एक पाउडर आंवले का मिला दें। जब भी प्यास लगे तो वो ही पानी पिए तो जवानी या बचपन में जिनके भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं वो दोबारा से अपने रंग में वापस आने लगेंगे। नंबर 25, चने की दाल को पीरियड्स में देरी के लिए एक शक्तिशाली उपाय माना जाता है। यह वास्तव में एक पारंपरिक उपाय है जिसमें चने की दाल को भूनकर बाद में पूरी तरह से पीस लिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी मिलाकर पाउडर को सूप बेस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सूप को अपनी अपेक्षित तिथि से लगभग 1 सप्ताह पहले सुबह खाली पेट लेना शुरू करें। यह पौष्टिक होता है इसीलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो जो भी लेडीज़ चाहती हैं कि उनके पीरियड्स अभी नहीं आए, कोई तीज है, कोई त्यौहार है या कहीं जाना है, तो वो ये उपाय अपना सकती हैं।
नंबर 26, एक कप पानी में 7-8 खजूर रात भर भिगोएं, सुबह खाली पेट ये खजूर खाएं और जिस पानी में खजूर को भिगोया है वो पानी भी पी लें। ऐसा करने से घुटनों की समस्याएं या परेशानियां दूर हो जाती हैं, घुटने मजबूत होने लगते हैं, घुटनों के दर्द में काफ़ी लाभ मिलता है। नंबर 27, मसों के ऊपर सरल उपचार में खट्टे सेब का जूस नियमित रूप से मसों पर लगाने से मसे धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। नंबर 28, शुगर के मरीजों के लिए गेहूं एक अच्छा खाद्य पदार्थ माना जाता है। यदि आप नियमित रूप से गेहूं का सेवन करते हैं तो आपको शुगर की समस्या में काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। आप स्प्राउटेड गेहूं भी खा सकते हैं। नंबर 29, पेशाब करते वक्त अगर आपको जलन महसूस होती है तो आपको रोजाना लस्सी पीनी चाहिए। नंबर 30, तांबे के बर्तन में कभी भी घी नहीं रखना चाहिए। घी को हमेशा या फिर कांच के बर्तन में या फिर स्टील के बर्तन में ही स्टोर करना चाहिए। जब भी आप घी को स्टोर करें तो उसमें 10 या 12 लौंग जरूर डालें। ऐसा करने से घी लंबे समय तक ताज़ा और स्वादिष्ट बना रहता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी जानकारी। आशा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो उसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई अनवरत वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।